हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिए एक कटोरी मूंग दाल, यानी 1 पाव के लगभग मूंग दाल है। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। जब तक इसका पानी वाइट वाइट रहता है, तब तक हमें इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना है। दाल को अच्छे से धो लिया, ये देखिए अब इसका पूरा पानी एकदम क्लीन हो गया। अब हम इस पानी को निथार के दाल को एक कपड़े में सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पूरी दाल को ऐसे फैला लिया है। अब हम इसको थोड़े पंखा चला के सुखा लेंगे 10 से 15 मिनट तक। फिर इसको पोंछ के हम इसको रोस्ट करेंगे, तब तक हम इसको सूखने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी दाल को 10 मिनट हो गई है, हमारी दाल अच्छे से सूख गई, इसमें पानी नहीं रहा। अब ये देखिए, अब हम इसको रोस्ट करेंगे। मैंने कढ़ाई गरम चढ़ा दी है। तो फ्रेंड्स हमने इसको कढ़ाई में, अब हम इसको धीमी धीमी आंच में 5 से 10 मिनट के लिए सेकेंगे। हमने गैस की आंच को मीडियम रखा है, क्योंकि फुल कर देंगे तो हमारी दाल जल जाएगी। हमें दाल को जलाना नहीं है, इसको रोस्ट करना है हल्का ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी दाल चिटकने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। हमें इसको लगातार चला के रहना है ताकि एक जैसी रहे और जले नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी दाल का कलर एकदम ब्राउन हो गया है। तो हमें इस स्टेज को बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर हो गया हमारी दाल का। बस हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसको हम मिक्सर में पीसते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे हलवे की तैयारी, इसके लिए लिया है मैंने 2 चम्मच घी। अब हम घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट होते तब तक हमने इसमें लिया है हमारी मूंग दाल हलवे को और दानेदार बनाने के लिए 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन, इस चम्मच के हिसाब से। हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया, इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे। तो हमने रोस्ट कर लिया अच्छे से। अब हम बेसन और सूजी को घी में डाल, पहले हम इसको रोस्ट करेंगे क्योंकि हमारी दाल ऑलरेडी पिस गई। अब जब तक ये रोस्ट होता है, हम हमारी दाल को पीस लेते हैं। हमारी दाल ठंडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छे से दानेदार हमारा पाउडर बना है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे।
इसका देसी कलर कितना अच्छा है, हमें इसको ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना गोल्डन कलर आया। हमें आटे को इतना ही अच्छे से सेकना। अब हम इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे। इसको घी में अच्छे से सेक लें। वैसे तो सीख चुका है, थोड़ा सा 2 मिनट हम इसको गोल्डन होने तक, क्योंकि जितना हम इसको गोल्डन उतना ही हमारे हलवे का कलर शानदार आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा कलर। अब मैंने ये घी बनाया था तो उसका मावा है, तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, इससे टेस्ट एकदम लाजवाब बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो मावा था उसको भी हमने पीस लिया। घी निकालने के बाद जो मावा बचता है, ये देखिए कितना अच्छा एकदम दानेदार, इससे हमारे हलवे का टेस्ट और अच्छा बढ़ जाएगा। अब हम हमारा ये बहुत अच्छे से सीख गया है, इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे। तो मैंने 2 गिलास के लगभग इसमें पानी लिया। अब हम इसको इसमें पानी को अच्छे से होने देंगे मिक्स। इसमें हम 1 चम्मच और घी डालेंगे। घी को हमें इसमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, ताकि जो हलवे की कंसिस्टेंसी है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, इसमें 200 ग्राम के लगभग शक्कर डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमारी शुगर पिघल गई, अब हम इसमें वो जो हमने मावा लिया उसको ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे मावे का कलर कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ गया। अब हम इसमें बचा हुआ घी भी डाल देंगे और इसको थोड़ा घी को एब्जॉर्ब होने देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारे हलवे ने पहले घी एब्जॉर्ब किया था, अभी घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारा हलवा बन के रेडी है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसको डालें। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से घी इसका सब साइड छोड़ दी गई, तो हमारा हलवा बन के एकदम परफेक्ट रेडी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, वो भी घी का जो मावा बचता है उससे आप अपने हलवे को का टेस्ट 2 गुना बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मूंगदाल हलवा कितना अच्छे से बन के रेडी है, बिल्कुल बाजार के जैसा। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए और इसको आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता है फ्रिज में। और ये बच्चों के लिए सबके लिए बहुत हेल्दी रहता है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर है।